खास वजह? मुंबई से एक अलग सा जुड़ाव और कनेक्शन है, और जैसे गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, ऐसे ही हमारी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड की जो ब्यूटी है, जो आर्ट फॉर्म है और जो टैलेंट है, उसको हम उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक ला सके। और यही कोशिश के चलते हमने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है जिसका नाम है हिमश्री फिल्म्स, और लगातार हिमश्री फिल्म्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट मोर एंड मोर यंग ब्लड एंड द यंग एनर्जी। तो मुंबई से एक अच्छा खासा रिश्ता है। तो आयुषी जी, आपने बताया कि आपने एक न्यू प्रोडक्शन हाउस की भी शुरुआत की है, तो उसके माध्यम से अभी कोई प्रोजेक्ट लोगों के सामने आए हैं या फिर रेडी है, और लोगों के सामने कब तक आ जाएगा? हमारा एक जो प्रोजेक्ट है जो मेरे खुद के दिल के बहुत करीब है, उसका नाम है तारणी, और जो कि हम टी सीरीज़ के साथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तारणी का पोस्टर हम लोगों ने टी सीरीज़ के साथ 8 मार्च को, जो कि एक इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, उस पर हमने लॉन्च किया। और एक ये बहुत खूबसूरत रियल इंसिडेंट बेस्ड कहानी है, जिसकी एक्सक्लूसिव परमिशन हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके आए हैं। और ये एक 6 जाबाज नेवल ऑफिसर्स की कहानी है, जिन्होंने एक पूरी दुनिया का सकम नेविगेशन छोटी सी मेक इन इंडिया के एक बोट में किया था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये बहुत क्लोज इवेंट रहा है, और आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। इसको प्रसून जी ने भी जो है उसको 3-4 राइटर्स को, रिसर्चर्स को लेकर 1-1.5 साल हम लोगों ने इस पर काम किया है। एंड आई फील फाइनली इन 2020 वी कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम तारणी, हम लोग हॉटस्टार के साथ में एक वेब सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको खूबसूरत पहाड़ों की वादियाँ, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई और प्रोजेक्ट भी होगा जिसकी शूटिंग आप मुंबई में भी करेंगे? क्योंकि जब फिल्मों की बात आती है, पहले आज लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, लेकिन लोग पहले मुंबई में शूट किया करते थे। एब्सोल्यूटली, इवन दो लॉट ऑफ बिट्स ऑफ तारणी यहाँ पे ही शूट किया जाएगा। और मैं एक प्रोडक्शन हाउस के अलावा मैं एक्टर ऑल्सो, और लगातार काफ़ी अच्छे फिल्म्स और वेब सीरीज़ के हमको ऑफर आ रहे हैं, जिनकी शूटिंग मुंबई में होती है। अभी मेरा एक म्यूज़िक वीडियो आना है, जिसकी सारी की सारी शूटिंग हमने यही मुंबई में ही की थी, वो भी जल्दी दर्शकों को देखने को मिलेगा। सो आई लव शूटिंग देयर। वफा ना रासा है, उसके बाद आरुषि जी को हमने देखा नहीं, तो कब है जो दर्शक और फैंस को इंतजार होगा कि आरुषि जी को फिर कब वो एल्बम, सॉन्ग या मूवीज में देख पाएंगे? आई एम गिविंग अ गुड ब्रेक टू माई फैंस सो दे कैन मिस मी अराउंड। सो आफ्टर वफा नाराज आई ह्यूज सक्सेस, बिकॉज वी क्रॉस 240 मिलियन अभी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में इसको गाया गया था। हिमांश कोहली मेरे साथ इस म्यूज़िक वीडियो में थे, और बहुत बहुत फैंस का प्यार हमको मिला। अभी मेरा एक और म्यूज़िक वीडियो जी के थ्रू आने वाला है, सो वी आर just keeping fingers crossed that how it gonna happen. तो आरुषि जी, आप किस, आप अगर फैमिली की बात करें तो राजनीति से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो बॉलीवुड की तरफ किस तरह से आप रुख हो गए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो इस दुनिया में आए हैं, हम सब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि अगर सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया है, सो दिस इज़ आवर टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। आप डॉक्टर होके भी वो काम कर सकते हैं, आप इंजीनियर होके वो काम कर सकते हैं, आप राजनेता होके वो काम कर सकते हैं, और आई फील बीइंग एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर वी फील लॉट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो उनको बहुत अलग तरीके से मोटिवेट करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू सी हमारे जो टैबूज हुआ करते थे भारत में, कहीं ना कहीं सिनेमा ने उनको बदलने की कोशिश करी है, और इसी कोशिश को लेकर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आई एम माई सेल्फ इज़ अ प्रोपोगेटर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जो है वो प्रोडक्शन के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, एज एन एक्टर ऑल्सो मैं जो अपने सोशल मुद्दों पे काम कर रही हूँ, उसके लिए भी लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। तो सोशल वर्क और सोशल जो मुद्दे हैं वो आपके जो सोशल मीडिया, उस पर आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जो लोग देख पाते हैं, तो किस तरह से इन मुद्दों को लेकर जो हमें समाज में लेकर आना चाहिए? क्योंकि आज अगर हम वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो आज कुछ ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो एक फैमिली के साथ बैठकर हर कोई नहीं देख सकता, तो इस बात को कितना आप अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देकर, किस तरह के प्रोजेक्ट को आप ध्यान रखकर इसको सामने लेकर आएंगे? देखिए, ये इट वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड इट वेरीज टू परसेप्शन दैट हाउ डू यू सी द वर्ल्ड एंड हाउ यू वॉन्ट टू शो इट टू द वर्ल्ड।
एंड आई फील हम उत्तराखंड से आते हैं तो हम बिल्कुल गंगा जैसी चीज़ों को और हिमालय जैसी प्यारी खूबसूरत चीज़ों को और मजबूत चीज़ों को दिखाकर और लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे, मेरा यही एम रहेगा। अभी यहाँ पर जो अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है मंदिर जी द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें आप भी अवार्डी हैं, किससे देखते हैं इस अवार्ड फंक्शन को, क्या विशेष होंगे उनके लिए? मैं मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात अभी मनीष जी ने कही कि कहीं से तो शुरुआत करनी होती है और ये शुरुआत उन्होंने अपने सागा अवार्ड से मुंबई में की है और आई फील ये अवार्ड पहला है और ऐसे ही एवरी ईयर इट विल गो बिग एंड बिगर एंड मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस अवार्ड को करके वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी आर्ट फॉर्म में एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यू नो द वर्क एवरीबडी इज़ डूइंग उनको और मोटिवेशन मिल सके और ऐसा करना समाज में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मनीष जी अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपने अभी बताया जिस तरह से कि सोशल वर्क करते रहना चाहिए, लोगों की हेल्प करती रहनी चाहिए, तो आप अब आगे किस तरह से महिलाओं के क्षेत्र में गर्ल्स को पावर्स को लेकर, क्योंकि आप आपका जो पावर है आप हर क्षेत्र में, फिर वो चाहे बुक लिखना हो एक एज अ राइटर, सब वर्क को आप करती हैं, तो महिलाओं को किस तरह से आप आगे लेकर आएंगी, क्योंकि आपने कहा है कि आपके प्रोडक्शन हाउस से यूथ जो है, न्यू कलाकार है, उनको आप मौका देंगी, तो किस तरह से उन्हें आप चुनेंगी कि जिनके अंदर कला है उन्हें भी एक स्टेज मिल पाए? दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग बट मेरे प्रोडक्शन हाउस में जितने लोग हैं दिल ऑल वुमेन टीम, सो आई वुड से दिस इज़ वे टू सपोर्ट एंड प्रमोट वुमेन इन द सोसाइटी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और स्पर्श गंगा जैसे अभियान को हम लोग चलाते हैं। स्पर्श गंगा जो है वो आज से नहीं 2008 से बहुत सारा काम कर रहा है। हम गंगा की सफाई के लिए काम करते हैं। हमारे लोग 5 लाख से ऊपर की संख्या में पूरी देश और दुनिया में मौजूद हैं। हम लोग हर हफ्ते वीकली क्लीनिंग ड्राइव्स करते हैं। और आपने जो सवाल पूछा, सो वेरी इंटरेस्टिंग थॉट वी कम अक्रॉस, दैट इज़ द सर्कुलर इकोनॉमी। हम कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी वेस्ट नहीं है, एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज, री रिसोर्स एंड री यूज़। इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हुए स्पर्श गंगा ने उत्तराखंड के 800 से ज़्यादा महिलाओं को जो फूल पत्ती गंगा में बह के आ जाते हैं उनको प्रोसेस करके अगरबत्तियाँ सेंसटिक बनाना शुरू किया। और ऐसे ही अब हम अपने सर्कुलर इकोनॉमी के इस काम को, जो कि इन्वायरमेंट को भी मदद करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी मदद करेगा, सो सर्टन काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी गोइंग टू टेक इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बेसिकली जो हम लोगों ने ये जो अवार्ड हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करने का प्लान बनाया है, इसमें मेन हमारा विजन ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, चाहे वो सोशल NGOs हो, इन सबको हम लोग एक अवार्ड दें, उनको फेलिसिटेट करें, जिससे उनके नोबल कॉज जो लोग सोसाइटी में कर रहे हैं, इधर वो आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इधर वो सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं, इधर वो नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, इधर वो वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल कॉज, जो भी मतलब जितने भी कॉजेस होते हैं जो सोसाइटी के लिए बेटर है, हम उसको अवार्ड देना चाहते हैं और वो मोटिवेट हो, हमारे साथ जुड़े और हम जुड़ के क्या कर सकते हैं समाज के लिए, ये जो हमारा मेन होल विज़न इस चीज़ का। तो आपका जो विज़न है वो बहुत ही डिफरेंट है, जिस तरह से सोशल कॉज से जो जुड़े हुए लोगों को भी आप ये अवार्ड दे रहे हैं, तो इसकी शॉर्ट लिस्टेड आपने किस तरह से की है, कि किस तरह से आपने लिस्ट बनाई है, किस तरह से आपने देखा है कि हाँ यही वो पर्सन है जिसे आपको अवार्ड देना है? जी बेसिकली मैं और फारूक खान जी जो है बेसिकली केयर फाउंडेशन की है और हम लोगों ने एक जॉइंट हैंड किया है WNCI वर्ल्ड नोबेल कॉज इनिशिएशन, एक प्रोग्राम है हम लोग का। बेसिकली हम लोग उसमें जितने भी सोशल एक्टिव जैसे मैंने बताया, तो उनके फिल्टर और उनको जुड़ने का एक तरीका है कि उनके हम प्रोफाइल चेक करते हैं कि आपने इसके पहले 5 ईयर्स क्या किया है या अभी फ्यूचर गोल्स क्या है आपके, क्या करना चाहते हो। हम लोग उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं, उसके हिसाब से उनको हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं और उनको प्रमोट करते हैं और उनको जो हमसे चाहिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं अपने NGO से, फाउंडेशन से, कंपनी से। ये लोग मुंबई से होंगे या फिर ऑल ओवर इंडिया? जी ये ऑल ओवर इंडिया से हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग हैं, क्योंकि हम लोग समाज कल्याण, तो आप संसार कल्याण कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक लिमिटेड कोई सिटी से करो, ये पूरा आप संसार में कर सकते हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुबई हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडोनेशिया, एनीवेयर इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू। और जिस तरह से आप इस अवार्ड को आयोजित कर रहे हैं, तो यह किस दिन ये आयोजन है आपका और क्या इसमें सेलिब्रिटी भी होंगे? जी इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे होंगे भी,
इस अवार्ड को, अवार्ड के सपोर्ट में कुछ लोग अवार्ड दे रहे हैं, हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटी ने हमने हमें बाइट्स भी दी है कि हम लोग इस इवेंट में आ रहे हैं। आई होप कि सब लोग आए और इस हम लोग इस अवार्ड सेरेमनी को हम लोग सेलिब्रेट करें मिलके। और आई थिंक जो सेलिब्रिटीज होंगे जिनको अवार्ड मिल रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया हुआ है, yes. मेरे दिल से ये है कि जो लोग ने इतनी मेहनत की है, जो लोग ने इतनी कामयाबी के वक्त में लाइक यू नो जो स्ट्रगल करके जो अवार्ड ले रहे हैं, मेरे दिल में वो है कि वो सेलिब्रिटीज होंगे उस तक। हाँ मनीष भाई, राइट, तो नाम तो सेलिब्रिटीज का होता है जो एक्टर्स हैं या जो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने स्क्रीन पे अपना इतना यू नो नाम कमाया, लोगों के दिल जीती है। लेकिन आई थिंक हमको ग्राउंड जीरो पे देखना है कि किन लोगों ने जो इस वक्त में अपनी जर्नी के अंदर जो जिन लोगों ने किया, तो इसीलिए मकसद हमारा अवार्ड का वही है। तो मेरे हमारे अवार्ड के लिए वो ज़्यादा मतलब आप ये मानते हैं जो स्टार है वो तो है, लेकिन जो फ्लोर पे जो जमीन पे उतर कर लोगों के लिए काम करते हैं वो आपकी नज़र में सबसे बड़ी स्टार। यस यस, आई थिंक ये हमारा फाउंडेशन यही है। और इंडिया सेगा अवार्ड, सेगा बहुत बड़ा अवार्ड है, सो एक्टर्स फील अलग होती है और जिन्होंने अचीवमेंट किया है वो अलग होता है, यू नो। सो आई थिंक ये पूरा हमारा डिज़ाइन प्रोजेक्ट का यही है कि जिन लोगों को हम अवार्ड देना चाह रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंस हो। बम्बई में बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शंस हो रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं, हमको कुछ अलग रखना है। और उनको हमारी कंपनी अमेरिका की है और हमारे जॉइनेंस बॉम्बे में इनके साथ हुआ है, सो ये अवार्ड का मकसद कुछ और है। फारूक जी, आपने ये बात सही बोली कि कंटिन्यू अवार्ड्स हो रहे हैं, लेकिन अवार्ड जिन्हें मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता है, वो रिपीट होकर एक ही पे घूमता रहता है। इस बात पर आपका कितना ध्यान होगा आप और मनीष जी का? मनीष जी आप ही बताइए। समय बताऊँ मैं, खैर मैं यहाँ पे इतना रहा नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने जहाँ पे इतना मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अवार्ड्स का देखा है वो बहुत अलग है। सो हमको कुछ जो हम लोग ने WN वर्ल्ड नोबल कॉज इनिशिएशन का हम लोग ने प्रोग्राम सारा में रखा था, उसमें हम लोग जो कोविड के अंदर सारे प्रॉब्लम्स जो जिन लोगों ने सहे और जो थे उनको जिनको निगलेक्ट किया गया उनको हमको महत्व देना था। सो ये अवार्ड भी हमारा वो है कि इसके अंदर भी कि हम देखना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को कभी ना जाना गया ना पहचाना गया तो उनको वहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। सो अगर उनको रिकग्निशन मिलेगा तो वो मोटिवेट बनेंगे दुनिया के अंदर। और ये जो अवार्ड्स मिलते हैं ये हमारे में ताकत नहीं है, ना इनमें ताकत है ना हमारे में ताकत है किसी के अवार्ड देने की। ये एक वे होता है थैंक बोलने का, जो भगवान और ईश्वर जो है ऊपर जो खुदा है वो एक थैंकिंग किसी की मेहनत के लिए हमको ज़रिया बनाकर उस प्लेटफॉर्म में ला के खड़ा करता है, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो जिसने कोविड में यू नो लाशों को लेकर गए या मरीजों को लेकर गए, जो जेनरल्स जो हैं, जो चिता जिन्होंने जलाई है, जो कॉफिन्स के अंदर लेकर गए, उन लोगों को कभी रिकग्निशन नहीं मिला। लेकिन वो रोज़ आते हैं मंदिर में या मस्जिद में और पूछते हैं यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ मेरे को आज तक रिकग्निशन क्यों नहीं मिला। तो हम लोगों को एक ज़रिया बनाकर यू नो उनको दुनिया के अंदर दिखाना चाहते हैं कि शाहरुख खान जी हो, सलमान खान जी हो, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हों, इनको महत्व क्यों नहीं मिलता। मनीष जी के साथ आप जब से जुड़कर काम कर रहे हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और अब इस अवार्ड के लिए किस तरह से आप दोनों लोगों की तैयारी? एक्सपीरियंस मेरा भाई है, मेरे भाई मतलब मुझे इतना अच्छा दोस्त, और बॉम्बे में मैं काफ़ी साल से 2016 से आना जाना है मेरा, मुझे इतने अच्छे और दिल के साफ, मैं इनके मुँह पर नहीं बोलता लेकिन इनका भी आप काम देख लीजिए, इनका ये बहुत यंग है और उनकी जर्नी बहुत बड़ी है। और इनसे मिलने के बाद जब मेरी मीटिंग्स हुई है तो मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपके अमेरिकन की NGO है, आप हमसे जुड़िए हमसे जुड़िए हमसे जुड़िए, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही प्लान था। जब इनसे मिला तो इनका एक ही मकसद है कि दुनिया की हेल्प करना, दुनिया को एक्नॉलेज करना और रिलेशनशिप लोगों को बनाइए, और किस तरह यू नो ही इज़ नॉट अबाउट मनी और बिजनेस और एनीथिंग एल्स। सो देयर वाज समथिंग इज टच माय हार्ट अ लॉट। सो इसीलिए मैं अपनी कंपनी और केयर फाउंडेशन ग्रुप, आप मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर लें कि जुड़ना किसी के साथ में क्या होता है, ये ऑलरेडी ऊपर वाला लिखा होता है। सो ही इज़ अ वेरी यंगस्टर, वेरी मोटिवेटिव, और इनकी सोच मैं तो ये चाहूँगा कि ये प्रेसिडेंट बने 10 साल के बाद, इतनी बड़ी बात है, ये मैं मेरा ख्वाब होगा। और उसके लिए अगर मुझे पूरी दुनिया की ताकत लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा कि इनका दिल और उनकी सोच इतनी बड़ी है लोगों के लिए, जो भी एक आम इंसान के लिए जो भी काम करते हैं। सो इसीलिए मेरा दिल उनसे जुड़ा और मेरी सोच जो है लोगों की मदद के लिए, हेल्प करने के लिए वो सेम थी। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड एंड अ लॉन्ग जर्नी पार्टनर मनीष भाई। थैंक यू ब्रो जी। बेसिकली जैसे फारूक जी ने बोला कि सब चीज़ें मेरे बारे में, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कोई समझ पाया, और मैं उतना बड़ा अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, मैं एक जीरो हूँ समझ लीजिए। अब जीरो से स्टार्ट किया है और हम सिर्फ समाज कल्याण सोसाइटी
और हम अपने आप अपना जब हम बेस हमारा मजबूत रहेगा तो ही हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे लोग जुड़े जो अपने लाइफ का कुछ समय कुछ पार्ट सोसाइटी के लिए देंगे, क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड ऑल जो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग के लिए। जी थैंक यू मैम।